नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक को एक बार फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद रीति पाठक एक प्रशासनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिंगरौली के गोरबी पहुंची थी, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने सांसद पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया और इस दौरान महिलाओं ने सांसद का काफिला रोकने का भी प्रयास किया। और इस पूरे विरोध का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सांसद से बेरोजगारी और नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने बलात्कार के एक दोषी की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 20 साल की कैद कर दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस एस के सिंह ने नाबालिग पीड़िता को जिंदा छोड़े जाने पर विचार करते हुए रेप के दोषी की सजा कम कर दी है। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ यह कृत्य किया, जो एक महिला की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियोजक ने रेप जैसे कृत्य के बाद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया, जो कि उसकी पर्याप्त दयालुता थी, इस वजह से कोर्ट का मत है कि उसके आजीवन कारावास को 20 साल के कठोरतम कारावास में बदला जा सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को राहत मिली है। 31 मार्च 2007 की है। अपीलार्थी पर 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। अधीनस्थ न्यायालय ने 25-4-2009 को अपीलार्थी को 376(2)(f) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसने फिर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में एक अपील फाइल की थी। तो अपील का जो निर्णय है वो 18-10-2022 को सुनाया गया था, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर साहब एंड श्री सत्यन सिंह साहब के द्वारा सुनाया गया था, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास से 20 साल में सजा को कन्वर्ट किया गया। ये आरोपी रम्मो उर्फ राम सिंह है, ये जड़ी बूटी बेचने का काम करता था। अब बात ग्वालियर की, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। इस स्कूल के एक टीचर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी टीचर है, उसके द्वारा जो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई, जिसमें कि थाना उठिला में दुष्कर्म की धाराओं में और अश्लील हरकत की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। इसमें कुल 4 बच्चियों के साथ उसके द्वारा अश्लील हरकत की गई, तो इस पर केस रजिस्टर किया जाकर और थाना प्रभारी उठिला के द्वारा जयराज कुमार के नेतृत्व में ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जड़ेरुआ बांध से गिरफ्तार किया गया। उसको कोर्ट में पेश किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।